रेडी या हाय, आई एम माय नेम इज रवि बिशनपुरी। मैं प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर हूँ और यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है। मैं कफ्तान, अनारकली, चूड़ीदार वगैरह डिज़ाइन करता हूँ। मेरे सारे डिज़ाइन सऊदी जाते हैं, दुबई जाता है और यहाँ के मार्केट में मेरा चल रहा है। तो कुछ एक शर्ट की कंपनी जैसे ट्रीना, जिसके लिए मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने एक्टिंग में शौक़ है, तो मैंने दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में किया है, जैसे कि धुआं और हुज पैट्रियट, जो यूट्यूब पे है और काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो अभी हम लोग कुछ आगे करने के लिए कर रहे हैं, प्लान है। कब से आप डिज़ाइनर हैं? डिज़ाइनर तो अराउंड मैं 7-8 ईयर से हूँ। जो आपने रोल किया दो फिल्म में, वो किस तरह का किरदार था? वो एक पॉजिटिव किरदार था, अच्छा, अच्छे शरीफ लड़के का करेक्टर है। और एक में जो हुज पैट्रियट में मैंने एक चोर का करेक्टर किया है, जो कि देशभक्त होता है, जैसे देशभक्ति गाने बजता है वो रुक जाता है और फिर उसे बहुत मारते हैं। आपने ऑडिशन दिया था कि आप डायरेक्ट सिलेक्ट? नहीं, डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ था मैं। फोटोशूट क्या फोटोशूट कर रहे हो? यहाँ एक ट्रेना करके शर्ट का ब्रांड है, जिसके लिए मैं फ़ोटोशूट कर रहा हूँ। वो उसके लिए उन्होंने मुझे मॉडल लिया अपने इस शर्ट के कंपनी शर्ट के ब्रांड के लिए। और कुछ शर्ट्स है, उनका एम है कि काफ़ी अलग करना है, यानी ये नया शर्ट का ब्रांड है जिसके लिए मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। और देखिए, अभी फॉर्मल शर्ट्स है तो उनको सऊदी और उनका काफ़ी चलता है, सऊदी में भेजते हैं वो लोग अपने सारे शर्ट्स, और दुबई में, जिसके लिए मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरा पहला शर्ट का ब्रांड है, अभी आगे का नहीं। ऐसे फोटोशूट तो नॉर्मल होता रहता है, बट ऐसे किसी शर्ट के ब्रांड के लिए नहीं किया मैंने। पहला शर्ट का ब्रांड है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये शर्ट है, फॉर्मल शर्ट है, तो इसमें कुछ खास नहीं रहेगा, बस उनको अपना एक किताब बनाना है और वो सऊदी में और दुबई में, वहाँ पे होल्डिंग लगेगा इसका बड़ा बड़ा। ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि अगर ये मैं अच्छा से कर गया तो शायद मुझे अपॉर्चुनिटी रहेगा कि बाहर मुझे अच्छा काम मिले, उम्मीद है। इंडिया में भी इसको लॉन्च करेंगे? इंडिया में पता नहीं, वो तो पार्टी पर डिपेंड करता है। अभी तो फिलहाल वो सऊदी कर रहा है, तो इंडिया में करेंगे या नहीं करेंगे सर, अभी मुझे पूरा नॉलेज नहीं है उसका। आज के दिन क्या खास है आपका? मैं तो ऐसे ही हैप्पी रहता हूँ, पर आज क्या है कि इसके अलावा मेरा जो दोस्त है राजेश कुरु, लिए एक फिल्म बना रहे हैं सामान, उसके लिए भी उन्होंने मुझे लिया है, तो देखते हैं अभी वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस मेरे सारे मुझे जो पसंद करते हैं और जो मेरे प्रशंसक है, उन्हें मैं धन्यवाद करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब पर शेयर करें और देखें जो भी कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। प्लीज़ बैठ।